जिस महान हस्ती से हमने इस किताब का उद्घाटन कराया, विमोचन कराया, इन सभी पुस्तकों का, वे हैं न्यायमूर्ति जस्टिस धर्माधिकारी। और इन पंक्तियों के साथ सर मैं आपको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं आपके आशीर्वाद के लिए कि आपके आगे न टिक पाए अपराध अमंगल की आंधी, आपके आगे न टिक पाए अपराध अमंगल की आंधी, करता है बीजेएस आपका सम्मान, स्वीकार करो हे गांधीवादी, स्वीकार करो हे गांधीवादी। परम आदरणीय जस्टिस चंद्रशेखर जी धर्माधिकारी, अपने विचारों के लिए। माननीय सिंपनी राजेंद्र गंडा, मैं यही कहना चाहता हूं हमारे साथ पहले हुए हिंगड़ी जी, जिनका नाम भी दरबारी पहले शांतिलाल जी और पाटी जी। इस कार्यक्रम में शुरू में मुझे बोलना पड़ेगा, ये तो मैंने नहीं माना था, लेकिन इनका जरूर माना था कि धर्माधिकारी के हाथ से जिस चीज की शुरुआत होती है वो अपने आप कामयाब होता है। मेरे नाम का गुण है, मेरे खुद का नहीं। आप सबका यहां उपस्थित देखकर ये बहुत आनंद हो रहा है। मैंने एक पुस्तक को तो प्रस्तावना लिखी, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप प्रस्तावना पढ़े ऐसी मेरी इच्छा है। कई सालों से कई कई मैं सार्वजनिक जीवन में रहा हूं। उम्र की 14 साल में मैं भारत छोड़ो आंदोलन में आया, बाद में सारे स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड हो गया था, इसलिए बिन दीवारों के स्कूल में पढ़ा, उसके अच्छा पढ़ा, जिंदगी के काफी चीज देखी, देशभक्तों के लड़के थे इसके कैक्टस की तरह बने, बगीचे में कुछ झाड़ ऐसे होते हैं जिसकी तरफ पानी कभी ध्यान नहीं देता, इसलिए बहुत अच्छे बने थे, हम वैसे ही बने। और आज सौभाग्य से ये कैक्टस लोगों के ड्राइविंग रूम में आ गया, जिससे आपके आज मुझे यहां निमंत्रण मिला है। मित्रों, बम्बई से आता संगठन की बात करता हूं, लेकिन बम्बई नेबरहुड विदाउट रिलेशनशिप। मैं जिस इमारत में रहता हूं 14 मंजिल के, हम सारे जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाईकोर्ट के जजेस हैं, विद्यमान भी हैं और निवृत्त हुए भी हैं। हम एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते। पहले दूध का दही बनाने के लिए जामत मांगने के पड़ोस में चला जाता था, अब मेरे घर में रेफ्रिजरेटर आ गया है इसलिए नहीं मांगने जाना पड़ता। बम्बई का सारा पड़ोस और पड़ोसियों के संबंध इस रेफ्रिजरेटर में फ्रीज हो गए। इस भोजन रिलेशनशिप को अगर प्रवाहित करना हो तो एक संगठन की जरूरत होती है, आपसी मेल मिलाव की जरूरत होती है, पारस्परिकता की जरूरत होती है। हम संगठन का नाम लेते हैं, समाज का भी नाम लेते हैं, लेकिन मेरे देश में जिसमें पंथ जाति और धर्म का भेद होता है और उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, वहां समाज ही नहीं होता। पुराने जमाने में विदर्भ से आया, गांव का हर घर रिश्ते से जुड़ा था, सब कोई चाचा कहते थे, चाची हुआ करती थी, मुसलमान होगा तो मामू हुआ करता था। मेरे पिताजी के सारे मित्र मेरे चाचा थे, उनकी पत्नियों को मैं मासी कहा करता था। ये रिश्तेदारी इस देश की खासियत थी, परंपरा थी। मेरा दुख है, मैं 85 साल का हो रहा हूं, मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है, मुखाजी से कहना चाहता, मेरे बच्चों की भी नहीं। मेरा एक लड़का हाईकोर्ट जज है,
दूसरा वकालत करता है, लड़की डॉक्टर है। मुझे फिक्र है मेरी पोतियों की, और आपसे कह दो तो मेरी परपोती की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, मुंबई में रहता हूं। मेरी पोती आई थी पिछले महीने और उसको बंबई में अपने घर के पड़ोस पड़ोस में चिड़िया नहीं दिखा पाई। चिड़ियों की कहानी समाप्त हो गई। कहते मोबाइल के ज्यादा उपयोग के कारण हुआ होगा, मैं कारण नहीं जानता। एक दुख है मेरे मन में कि हमारे सारों के घर बिखर रहे हैं। मियां बीवी का संसार होता है परिवार में, परिवार में रक्त संबंधी जुड़ते हैं, उससे भी पेट नहीं भरता। आपसे कह देना चाहता हूं कि रक्त संबंधियों को तो जबरदस्ती प्रेम करना पड़ता है, स्वायत्त रिश्ते होते हैं हम निकले हुए जिनमें ज्यादा शक्ति होती है, इसलिए खून के रिश्ते स्वायत्त माने हुए रिश्ते, इनके शुरुआत होती है परिवार के कुटुंब में। ये भी परिवार पूरा नहीं होता, परिवार में लगता है एक प्राणी होना चाहिए, पहले गाय हुआ करती थी, अब शायद कुत्ता होगा, बिल्ली होगी, लेकिन बिना बात प्राणी के भी नहीं बनता। फिर लगता है बगीचा होना चाहिए, झाड़ होना चाहिए। झाड़ मेरे घर में बंबई के फ्लैट में जगह नहीं, इसलिए कि तुलसी का झाड़ है। वनस्पति जग, प्राणी जग, माने हुए रिश्ते और खून के रिश्ते जब इकट्ठा रहते हैं ना, तब उसका घर होता है, तब उसको परिवार कहते हैं। मित्रों ये बिखर है। मेरे देश की खासियत पारिवारिक संस्था में थी, पारिवारिक संबंधों में थी। महाराष्ट्र के संत ने ही तो विश्व कुटुंब की बात कही थी। विनोबा गांधी ने आगे जोड़ा था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकल, शुरुआत और क्षितिज विचार का विश्वव्यापी होगा, शुरुआत अपने लोगों से करेंगे। अपने लोगों को समझना आसान जाता है, समझाना आसान जाता है, इसलिए मित्रों ये भारतीय जैन संगठना सिर्फ जैनों की संगठना ऐसा नहीं मानता हूं, इसमें भारतीयता होगी तभी यह जैन संगठन बनेगा। सिंबल साहब से मैं क्या कहूं, दो शब्द हैं अंग्रेजी में, कंट्री और नेशन। कंट्री भौगोलिक संकल्पना है, पहाड़ियों का बनता है, सीमाओं का बनता है, नदियों का बनता है। मातृभूमि पर प्रेम करने की जरूरत होती है लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। नेशन का वर्णन ऐसा किया गया कि इससे डेली डेली सेड ऑफ स्पीपल ड्यूट होता है, जिस भूभाग में रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं उसको नेशन कहते हैं। पिताजी के साथ नागालैंड में गया था, फिजो थे, अंग्रेजी बोलते थे। पिताजी ने उनको समझाया, पिताजी की सारी जिंदगी आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के साथ थे। इस व्यक्ति के महात्मा गांधी के साथ जिंदगी के 10 बहुत अच्छे साल मुझे पिताजी को मिला है, इसलिए मैं खुद को हम बिगड़े हुए लोग हैं ऐसा कहते और आपकी किसी से आउट ऑफ डेट हो गए। जब उनसे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा एक नेशन है आपको आना चाहिए, रिपब्लिक वाक्य का इस्तेमाल किया, फिर जो ने पूछा था सर इज देयर एनीथिंग लाइक इंडियन माइंड, सर इज देयर एनीथिंग लाइक इंडियन नेशन, हमारी समझ नहीं आया पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो। उसने मुझे समझाया कि हम सारे नागा लोग चीन में चले गए और आपको नागा की जमीन मिल गई तो आप खुश हैं, आप जमीन पर प्रेम करते हैं, जमीन पर रहने वालों से आपका लड़का प्रेम किया। बहुत अच्छा वाक्य था उसका कि जमीन पर तो जमींदार भी प्रेम करता है, इसके रजत पर प्रेम करता है। आप सब सुंदर लोग हैं। उधाजी ने काम शुरू किया जिस तरह का कश्मीर से लेकर अब अपने अपने छाती पर हाथ रखिए, जवाब बंद कीजिए। कश्मीर का सारा मुसलमान पाकिस्तान में चला गया
और हमको कश्मीर की जमीन मिल गई तो हम खुश हैं। जमीन पर प्रेम करने वाले लोगों से प्रेम नहीं करते, और जब लोगों से प्रेम नहीं करते ना, वो भारतीयता को नहीं पढ़ना। एक सपना देखा था मैंने 14 साल की उम्र में आजादी के आने में, पूछा था क्या होगा अंग्रेज जाने के बाद। आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि इससे तो अंग्रेज का राज अच्छा था। जिसको आजादी से आराम ज्यादा पसंद होता है, जिसको स्वतंत्रता से सुख ज्यादा पसंद होता है, उन आदमी को देशभक्त नहीं कहा जा सकता। जो सिर्फ जमीन पर प्रेम करके रुकना चाहते हैं और मातृभूमि के ही बारे में बात करते हैं और राष्ट्रीयता की बात नहीं करते, उनको भी मैं राष्ट्रीय वृत्ति का आदमी नहीं कहता। मैं आपसे कह दूं, एक ही तो देश है जिसके संविधान से लेकर सब जगह आपने देखा होगा कि नदी इसकी मां है, गंगा मां, हिमालय इसका बाप है। हमने वृक्षों पर प्रेम किया, वट के वृक्ष की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वनस्पति गाय हमारे, हमने ऐसा ही संविधान नहीं माना कि कम से कम एक प्राणी किसी भी कारण से नहीं मारा जाएगा। ये सारी जो भूमिका है ना, ये दुनिया के दूसरे किसी संविधान में नहीं। ये संविधान में इस देश की संस्कृति जो प्रतिबिंबित होती है उसको संभालने का सबसे बड़ा दायित्व जैन समाज का है, ऐसा मैं मानता हूं। और उनका जी को मैं जानता हूं, आपको कह देना चाहता हूं कि मैं दयादान की भूमिका वाला नहीं हूं। दान की प्रक्रिया में देने वाला तो दानी होता है, लेने वाला तो दाना होता है। मैं सहयोग का चाहता हूं, शेयरिंग चाहता हूं। अंग्रेजी में हमारे यहां हमने कॉन्स्टिट्यूशन पीटी दया शब्द नहीं किया, क्योंकि यू कैन नॉट प्रिजर्व अ डिग्निटी ऑफ अ मैन ऑन चैरिटी। गांधी ने विश्वस्त भावना ट्रस्टी की बात कही, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, मेरे सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, और यह माना कि इसमें तो आर्टिकल 21 में जीवित रहने का हक भी शामिल होता है। मित्रों, मेरी शिकायत है आप लोगों से, पूछा जी आप पूरा भारत शायद जोड़ लेंगे, एक नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आरस कर रहा हूं, कहना चाहिए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उम्र की छोर पर उसे मुझे सच बोलना पड़ेगा। धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति अगर आप सच की अपेक्षा नहीं करेंगे तो उसकी किससे करेंगे, ये भी बताया। क्या दिगंबर और श्वेताम्बरों को इकट्ठा ला सके? कितने पंछी हैं सब इकट्ठा होंगे? नहीं होंगे तो भारत कहां दिखेगा? भारत कैसा कहा दिखेगा? मेरे मन में जैन धर्म के लिए श्रद्धा है, गांधी के साथ रहा हूं, उसके अहिंसा की बात करता हूं। अहिंसा निगेटिव कंसेप्ट नहीं है, नकारात्मक नहीं है, डायनेमिक पॉजिटिव कंसेप्ट है। ओ शब्द लगा, इसलिए हिंसा नहीं करना चाहिए। पहले तो ऐसा होता था कि बड़ी मछली छोटे मछली को खाकर जीती थी। संस्कृति के विस्तार के बाद हम आगे बढ़े, लिव और निगेटिव तक आया कि खुद जी और दूसरों को जीने को मदद करो। ये भी मैं आपसे नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी और महावीर की अहिंसा नहीं है। इन्होंने एक कदम आगे डाला और ये कहा, लिव एंड हेल्प अदर्स टू, खुद जियो दूसरों को जीने के लिए मदद करो, साथ में जीने के लिए मदद करो, इसका नाम अहिंसा था। महात्मा गांधी ने किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा कहा, शोषण मुक्त समाज की भावना से जैन धर्म की बुनियाद बनी, ऐसा मैं खुद मानता हूं। और आप लोगों से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, इन भूमिका से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस देश का नक्शा बदलने की आपकी ताकत है। अगर वृत्ति अपरिग्रह की होगी, अपरिग्रह शब्दों को ठीक से समझ लीजिए,
गांधी ने नीड बेस्ड लाइफ की बात कही थी, ग्रीड बेस्ड लाइफ की बात नहीं कही थी। जरूरतों पर आधारित अगर जीवन होगा, जरूरतें बढ़ेगी, लेकिन कितनी भी बड़ी तो नहीं मर्यादा है, हवस और लोभ की तो कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपरिग्रह की वृत्ति में कम से कम अपनी जितनी जरूरत है उसको अगर हम ढूंढ पाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। कुछ साल कुछ दिन पहले जापान गया था, ब्रेन ट्रस्ट का रिपोर्ट आया, कंक्लूजन था वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ब्रेन, हम कृत्रिम दिमाग बना रहे। मैं समझ में गया, मैंने पूछा क्या है, कहने लगे हम ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, इसके हमने शुरुआत की। हमने माना कि हम कृत्रिम दरवाजे बढ़ाएंगे, कृत्रिम ब्रेन बढ़ाएंगे, कैलकुलेटर से शुरू किया था, कंप्यूटर तक पहुंच गए। हमारा इरादा तो यहां है कि अब एक दिन ऐसा लाना चाहते हैं कि जब इंसान को उसका दिमाग की इस्तेमाल करने की जरूरत ही न पड़े। दूसरा वाक्य था वी आर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल नीड्स, समझ में गया, पूछा मैंने, कहने लगा आप शरीर के मध्यम वर्ग के घर में माइक्रोवेव नीड थी, वॉशिंग मशीन नीड थी, स्वीपिंग मशीन नीड थी, हमने पैदा किया, और हम कोई मॉडल 6 महीने से ज्यादा चले ऐसा नहीं चलाते क्योंकि हमारा ट्रेडिंग करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गरीबी की बात छोड़ दीजिए, गांधी को आउट ऑफ डेट कह दीजिए, मुझे कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस देश में गांधी को कालाबाही कहने वाले लोग हैं। मैं इतना ही कहता हूं कि गांधी कालाबाही हुआ कि नहीं मैं नहीं जानती, आपको लेकिन कालाबाही हो गए। कृपला जी ने सवाल पूछा था गांधी अगर संदर्भ भी हो गया तो क्या महावीर बुद्ध जीसस का युग भी कालाबाही हो गए, संदर्भ भी हो गए, सिर्फ पूजा घर में रहेंगे, पूजा के ही रहेंगे। हम दो तरह से जीते, मंदिर में जिस भावना से जीते थे उस भावना से हम व्यवहार में नहीं जीते, बाजार में नहीं जीते। मैं बचपन देखा, मैंने नागपुर में सड़क के किनारे से चीटियों को शक्कर खिलाते एक शेर जी जाते थे, मैं दावे से आपको कह सकता हूं कि वो शक्कर शुद्ध हुआ करती थी क्योंकि उसका स्वर्ग में बर्थ रिजर्वेशन से संबंध था। लेकिन वही सेठ जी जब किराना माल की दुकान खोलते शक्कर इंसान के लिए बेचते थे तब शुद्ध होना चाहिए आग्रह नहीं था क्योंकि उसका स्वर्ग के रिजर्वेशन से संबंध नहीं था। पारमार्थिकता और पारलौकिकता हुई है इस देश को, आप जमीन को निष्धाम कहते नहीं कहते, इसको तो आप मानते हैं कि हम यहां आए निजधाम हमारा होता है, हम हिंदू आदमी सब निजधाम में जाने के लिए स्वर्ग के बल के लिए कोशिश करते हैं, और जितने लोग उसके लिए कोशिश करते हैं उनकी मैं नम्रता पूर्वक कहता हूं कि मेरे देश की लोक संख्या बहुत बढ़ गई है, आप जितने जल्दी निजधाम जाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। पारलौकिकता और पारमार्थिकता का फर्क नहीं आप समझ पाए, धर्म की बुनियाद आप नहीं समझ पाए। सभी धर्म की बुनियादी शाश्वत मूल्य समान है, सत्य अहिंसा करुणा ये शब्द उपासना सबके लिए समान है, लेकिन गरीब का एक सिद्धांत है कि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाता है, इसलिए धर्म की सारी अच्छाइयां कैंसिल हो जाने के बाद जो कर्मकांड में बचता है ना उसको हम धर्म कहते हैं, और इस कर्म कांड के बलों से हम धर्माधिकारी जीते जिनको मैं मंदिर के दलाल कहता हूं। आप इसको चीज समझ लीजिए, शाश्वत मूल्यों के भरोसे पर अपरिग्रह का भरोसा पर, अहिंसा को बुनियाद मानकर, सत्यप्रियता की बुनियाद पर, जिस दिन सिर्फ भारत के सारे लोग जिएंगे और उनका अगुआ पर अगर आप जैन धर्म करेंगे तो मैं मानता हूं कि इस देश को बदलने की शुरुआत कल से होने वाली है। ये संकल्प करने की सद्बुद्धि भगवान आपको दे, ऐसे भगवान से धर्माधिकारी के नाते प्रार्थना करता हूं आप सब।